हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। एंड भैया, सेटअप चेंज, ऑफिस आ रहा है क्या, नया सेटअप आ रहा है क्या, गेस करना नहीं जुगा हुआ। आज यार बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो रिमूव हुआ है, वो क्या है, कैसा है। एंड अगेन, मेरी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मैंने मेरी साइड से तुम्हारे लिए क्या किया है उस बारे में भी बात करेंगे। अगेन, एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल से मत भूलना। ज्यादा टाइम हम लोग इसमें वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यार ये चीज काफी छोटी है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो वीडियो 20-25 मिनट का बना सकता था, बट अगेन देयर इज नो सेंस, ठीक है। वॉच टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है, टाइम ज्यादा कीमती है, तो हम लोग टाइम पर फोकस करेंगे। एंड बड़ी ही आसानी से जो भी रिड्यूस हुआ है, रिमूव हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरी साइड से मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करता है साइंस से, ठीक है। साइंस में सबसे पहले कौन सा चैप्टर आता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो साइंस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। जैसे चैप्टर पहले था वैसा ही है, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी रिडक्शन नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। सेकंड चैप्टर की बात करता हूं, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ओके, यहां पर भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है साइंस का। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है, यानी कि जो हमारा मेटलर्जी है वो हटा दिया गया है, एंड जो कोरोजन है और उसका जो प्रिवेंशन है वो भी हटा दिया गया है। बेसिकली तुमको दिख रहा है, तो जो मेटलर्जी वाला पोर्शन है और जो कोरोजन और उसका प्रिवेंशन वाला जो पोर्शन है वो भी उसमें से हटा दिया गया है। ऑल्दो मेटलर्जी ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, लेकिन हाँ, एक काफी अच्छा पोर्शन रिमूव किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से, क्योंकि वो अगेन एक हैवी वेटेज था उसका, लेकिन स्टिल उसको रिमूव कर दिया गया। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब ये मुझे सबसे शॉकिंग चीज लगी यहाँ पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो हमारा है उसके अंदर जो चीज सिर्फ बची है अब, ठीक है, जो हटाया वो तुमको बताता हूं मैं, लेकिन जो चीज सिर्फ बची है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। बाकी जो भी था सब हटा दिया गया है, तो बस कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज ये बचा है। बाकी जो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स था, जिसके अंदर हैलोजन्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स वगैरह सब था, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड प्रॉपर्टी, सब कुछ हटा दिया, ठीक है। तो मतलब यार देखो, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी हटा दी गई है, ठीक है। कितनी इजीली, कितनी जल्दी हमने केमिस्ट्री की बातें कर ली, जो मैंने तुम्हें बताया, जितना रिमूव्ड पोर्शन था वो बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जो है, लाइफ प्रोसेसेस नाम का जो चैप्टर है, इस पर लेक्चर आने वाला है। तो लाइफ प्रोसेस में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, लाइफ प्रोसेस जैसा था वैसा ही है, तो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है हटाने की, सो उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बाकी वो ऐसा है कि अगर बाकी सब में से हटा दिया गया है, सो यू कैन ईजिली फोकस ऑन लाइफ प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हटा दिया पूरा, इट इज नो मोर, ठीक है, इट इज नो मोर। कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन को हटा दिया गया है कंप्लीटली, क्योंकि यार वो चैप्टर के अंदर ना, मैं तुम्हें सही बताऊं, वो चैप्टर के अंदर तुम्हें बहुत सारे हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, उसके अंदर जो एनिमल हार्मोन्स थे, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर जो कि याद रखने वाली थी, लेकिन अब तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हटा दिया गया है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन है उसको हटा दिया गया है, दैट हैज बीन रिमूव्ड। बाकी जैसा चैप्टर है वैसा ही है। अब बात करते हैं ह्यूमन आई की, ठीक है। ह्यूमन आई की अगर मैं बात करता हूँ, तो ह्यूमन आई में से जो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई है, वो पोर्शन हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारे जो थे, हमारा हाइपरमेट्रोपिया था, मायोपिया था, वो जो टाइप के हमारे डिफेक्ट्स थे उसको हटा दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन थे स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज के, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर जो एप्लीकेशंस थे स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज के, ह्यूमन आई के अंदर वो भी पोर्शन हटा दिया गया, ठीक है। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की मैंने बात इसलिए नहीं की है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से कुछ भी नहीं हटाया गया। मैंने तुम्हें याद है लास्ट वीडियो के अंदर साफ साफ बोला था कि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में तुम्हें काम आएंगे, वही हुआ है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। लाइट में से भी कुछ नहीं हटाया गया, इलेक्ट्रिसिटी में से भी कुछ नहीं हटाया गया, क्योंकि दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चैप्टर्स वैसे के वैसे ही हैं, देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी टॉपिक, ठीक है। ह्यूमन आई में से मैंने तुम्हें
जो बताया और जो तुमने देखा फंक्शंस ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई, उसके बाद में जो डिफेक्ट्स वगैरह थे एंड जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड देयर लेंसेज है, वो वाला पोर्शन भी उसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से भी इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है, डीसी हटा दिया गया है, एसी जो है जिसमें हम लोग एसी की फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी की बात करते हैं, उसके बाद में फिर डोमेस्टिक सर्किट की हम लोग आगे बात करते हैं, वो भी हटा दिया गया है। तुम लोग साफ साफ देख सकते हो ये पोर्शन हटा दिया गया है। ऑल्दो जो डोमेस्टिक सर्किट वाला पोर्शन था वो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन हाँ वो भी एक काफी बड़ा पोर्शन था, हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से ये जो पोर्शन है वो हटा दिया गया, ठीक है। अभी एक और चीज तुम्हें बता दो कि जो हमारा आर एनवायरनमेंट है सिर्फ वो बचा है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हटा दिया गया है। मैंने तुम्हें बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि ऐसे हैं जो कि मतलब इजीली पढ़े जा सकते हैं, उनको हटा दिया गया है, सिर्फ आर एनवायरनमेंट बचा है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली साइंस के अंदर कंप्लीट चैप्टर कौन से रिमूव हुआ है, तो वो है हमारा सबसे पहले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा जो है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो तीसरा है वो है हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। बाकी जो मैंने तुम्हें बताया कि जिस चैप्टर में से जो है वो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो किए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि मैंने तुम्हें अगेन एक वीडियो के अंदर बताया था केमिस्ट्री वाले कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी चीज़ें बताई जाती है उस चैप्टर के अंदर, वो आगे बहुत काम आती है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में से भी कुछ नहीं हटाया गया है जो मैंने तुम्हें बताया, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से हटाया गया है। लाइट में से भी कुछ नहीं हटाया गया है और इलेक्ट्रिसिटी में से भी कुछ नहीं हटाया गया है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, बाकी फिर भी अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगा तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, ओके? अब मैं तुमसे बात कर लेता हूं मैथमेटिक्स की, यानी कि मैथ्स की, उसमें से क्या क्या रिमूव किया गया है। सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स वाला, उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हटा दिया है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। मतलब मुझे लगा नहीं था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा देंगे, हटा दिया है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल्स है हमारा, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके अंदर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आता है, उस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है जिसको हटा दिया गया है, ठीक है, तो वो भी तुम एक बार चेक कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थे विच वर बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, तो ऐसे जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थे जिनमें हम बेसिकली बाद में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करते हैं जो कि रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं, वो वाला पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है। अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी जो है जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, इसके अंदर जो डेली लाइफ वाले प्रॉब्लम्स थे जो कि सम टू एन टर्म्स वाली प्रॉब्लम्स थी, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, ये वाला जो पोर्शन है ये हटा दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये बेसिकली प्रूफ्स है, ठीक है, ये बेसिकली प्रूफ्स है। ये जो थ्योरम मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ ना, ये कुछ थ्योरम्स है जिनके ये प्रूफ्स थे जिनको हटा दिया गया है, ठीक है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट एंगल इज राइट एंगल, ठीक है, ये तुम्हें साफ साफ एनसीईआरटी के अंदर दिख जाएंगे, ये प्रूफ्स को हटा दिया गया है ट्राइंगल्स के अंदर से, ओके। सर्कल्स में से कुछ नहीं हटाया गया है, सर्कल्स में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ओके। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये कंस्ट्रक्शन था उसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन था जो हमको कंस्ट्रक्ट करके बताना है कि ये जो एक ट्राइंगल है इसके सिमिलर एक ट्राइंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना है, वो हटा दिया गया है, ठीक है, वो पोर्शन हटा दिया गया है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 degree एंड 90 degree, इनको हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो पोर्शन था उसको हटा दिया गया है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेज वाला जो पोर्शन है, ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज नाम का जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, देर इज नो डिलीशन फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, ओके। अभी शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये शायद अभी तक तुमने पढ़े नहीं होंगे, अगर तुमने पढ़े हैं तो तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे देखोगे बुक के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या डिलीट हुआ है और क्या नहीं हुआ, ठीक है। बाकी ये जो तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हें नीचे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो तुम नीचे जाके उसको ईजिली चेक कर सकते हो, बाद में भी जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे पास में पीडीएफ रहेगी, मैंने तुम्हें लिंक नीचे दे दी, तुम जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ओके।
आर रिलेटेड टू सर्कल, जो हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट है उसके अंदर जो सेंट्रल एंगल की प्रॉब्लम्स थी ऑफ 120 डिग्री उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो उस पर जो प्रॉब्लम्स भी थी सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री उसको हटा दिया गया। अभी शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, शायद तुमने नहीं भी किया होगा, अगर किया तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसको हटा दिया गया। फ्रस्टम ऑफ अ कोन भी एक टॉपिक है, काफी बढ़िया सा टॉपिक था इसके अंदर, इसको हटा दिया। ओके, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है इसके अंदर, उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड एक मेथड होता है मीन फाइंड आउट करने का, उसको हटा दिया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एक ग्राफ होता है, उसको भी हटा दिया गया है। ओके, ये हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया है, देयर इज नो डिलीशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। मैथ्स का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि आखिरी चैप्टर है, उसमें से कोई भी डिलीशन नहीं है। ओके, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। अगर यहां पर मुझसे कहीं पर भी गलती हो जाती है तो तुम्हें नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हो, बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं मुझसे शायद मिस्टेक हो सकती है, सो देयर इज नो इशू। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हमारा जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है वैसा ही है, नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तुमसे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इन दोनों में से कोई एक चूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, ओके। और उसमें से जो भी चूज किया जाएगा वो बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, वो बोर्ड में नहीं आएगा, वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए काम आएगा, ठीक है। तो उस चैप्टर को बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर चूज किया जाएगा और वो चोजन चैप्टर को स्कूल में इंटरनल असेसमेंट में लिया जाएगा, उसको वो बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ये बात हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है वो वैसा ही है, ठीक है। जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ काफी वास्ट चैप्टर है, लेकिन उसको हटा दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। वाटर रिसोर्सेज का थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, उसमें से सिर्फ मैप पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज का जो भी थ्योरी पोर्शन है वो नहीं पूछा जाएगा, ओनली मैप विल बी आस्क्ड इवन इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो वैसा ही है, उसमें कुछ भी रिमूवल नहीं है, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही है। अगर मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हाँ, तो जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन हट चुका है, उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैथ में से चीजें पूछी जाएंगी इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नहीं पूछा जाएगा, वो हट चुका है, सिर्फ मैथ वाला पोर्शन पूछा जाएगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सिविक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हट चुका है, चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट हट चुका है, चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हट चुका है, चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी हट चुका है, ठीक है, हाँ हट चुका है, सही सुन रहे हो तुम, हट चुका है। सिविक्स में से ये सारे चारों चैप्टर्स जो हैं वो हट चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 8 हट चुके हैं, 1, 2, 6 एंड 7 है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे मेन सब्जेक्ट्स, बाकी ये सब्जेक्ट्स जो है मैंने उसके नीचे लिंक दे दी है, तो वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अब बात आती है रिवाइज्ड मटेरियल की। यार ये सब चीजें हट तो हुई, लेकिन तुम्हें को बहुत कंफ्यूजन होगा कि जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो भैया ये पोर्शन हट चुका है क्या, ये पोर्शन हट चुका है क्या। तो तुम्हारे लिए जो भी पोर्शन हट चुका है सारे नोट्स अब रिवाइज होंगे, सारे नोट्स रिवाइज होने के बाद में उसमें से जो पोर्शन डिलीटेड है उसको हटा दिया जाएगा या फिर उस पर एक क्रॉस लग जाएगा, एंड प्रॉपर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं वो सारे के सारे एक दिन के अंदर अपडेट हो जाएंगे फॉर क्लास 10। सो यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं, जितना भी कुछ अपडेट हुआ है, हटा है, जो भी कुछ हुआ है, ओके, वो सब एक बार एनालाइज करूंगा, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी चीजें जो अपडेट हुई है, जो हटी है, उस हिसाब से सारे के सारे नोट्स, रिवाइज नोट्स जो है वो सारे के सारे वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे एक दिन के अंदर, ठीक है। तो एक दिन के अंदर ये सब चीजें अपडेट हो जाएंगी, सारा जो भी हट चुका है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, जितना भी पोर्शन हट चुका है साफ साफ वहां पर लिखा रहेगा, ऐसा कट मार के रिड्यूस, ठीक है, तो तुम्हें वो चीज नहीं पढ़नी रहेगी। ओके, तो यहां पर ये चीज अपडेट हो जाएगी एक दिन के अंदर। अब मैं तुम्हें अपडेट कैसे करूंगा, बताऊंगा कैसे, तो 3 जगह है जहां पर मैं अपडेट कर सकता हूं। सबसे पहले तो YouTube कम्युनिटी पोस्ट, सेकंड इज आर इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा भी है एंड पडलेज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, थर्ड इज टेलीग्राम। तो अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो तुम नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप कि आई एम वेरी क्लियर नाउ, अब तुम ज्यादा भटकना मत इस चीज को लेकर, एंड अगर तुम्हें वापस कंफ्यूजन हो तो वीडियो वापस देख सकते हो, नीचे लिंक भी दे दी है, तुम वहां पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो बेसिकली क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत ही कमाल का, आई होप कि आप सभी लोग सेफ हैं। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड नाइट।